हमारी डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी ताकत है, स्तंभ है। सर्वोच्च न्यायालय पर देश की जनता का सबसे ज़्यादा भरोसा, एक उम्मीद है। हम सपना देखते हैं इस देश के राजनीतिकियों के द्वारा जो महापाप किया जाता है कि हम कम से कम देश सुरक्षित है सर्वोच्च न्यायालय जब तक, लेकिन इधर जिस तरीके से लगातार एक प्रॉपर्टी सी बन गई है रिटायरमेंट के बाद गवर्नर या आज राज्यसभा एमपी, सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस, राज्यसभा लोकसभा एमपी, बनकर आप किस देश की बातों को आप कहाँ रखना चाहेंगे? आज जिस तरीके से मनोनीत किया गया है रंजन गोगोई जी को, इसमें लोगों के भीतर एक संशय का वातावरण बन गया। आखिर क्यों, इतनी जल्दी में क्यों, इसके पीछे कारण क्या है? कई सारे सही निर्णय देने वाले रंजन गोगोई जी को राष्ट्रपति के द्वारा जिस तरीके से मनोनीत किया गया, क्या ये किसी कामों का पुरस्कृत करना तो नहीं है? अपने किसी निर्णय के बदले पुरस्कार तो नहीं दे रहे? और इससे विश्वास जगमगाने लगा है लोगों के बीच। इधर देखा गया है न्यायालय पर भरोसा नहीं खत्म हो सकता कभी हमारे देश के लोग, लेकिन न्यायालय में कुछ पर्टिकुलर पर्सन के घटनाक्रम से या व्यक्ति विशेष पर यह सवाल खड़ा होने लगा। तो क्या एक को पुरस्कृत किया गया, रेस्ट जो और लोग हैं क्या उन्हें भी आने वाले समय में पुरस्कृत करेंगे? यदि हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय किसी पार्टी का, किसी एक विचारधारा का हिस्सा हो जाए तो फिर हमारी वसुधैव कुटुंबकम का क्या हो, सर्वधर्म संभव का क्या हो? व्यक्तिगत विचारधारा अलग है और न्याय की प्रक्रिया संवैधानिक दायित्व और लोकतंत्र का मिजाज बिल्कुल डिफरेंट। और यदि हम संवैधानिक मूल्यों के साथ आगे नहीं बढ़ते हैं और भावनाओं और आस्था के नाम पर हम देश को चलाना चाहेंगे तो फिर हमारा देश नहीं बचेगा।